रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो रजिस्ट्रेशन करने का हक कार्यपालक का अधिक पदाधिकारी के यहाँ अधीक्षक अभियंता के यहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग रजिस्ट्रेशन हम मानते हैं कि पैक्स का रजिस्ट्रेशन डी सी ओ करेंगे लैम्स का रजिस्ट्रेशन डी सी ओ करेंगे मगर इस विभाग का रजिस्ट्रेशन आपके जी नहीं आप समिति बनाइए उनसे पूछिए समिति में मंत्री बैठी हुई उनसे पूछिए कहाँ से बनाए हैं हम क्यों बोलेंगे एस पर एक्ट लिखा हो उसमें सरकारी विभाग बनाए रजिस्ट्रेशन करेंगे हम लोग रजिस्ट्रेशन करने का शक्ल नहीं है ऐसा थोड़े की गलत नहीं करते नहीं है लेकिन आपकी ये है कि पंचायत स्तरीय को आप कैसे मीटिंग में समिति मान के समिति बनाती है इनको इंक्लूड करने का क्षमता आपके पास ना इसको आप शामिल कर सकते हैं उस क्षेत्र में सरकार जिस पर्पज के लिए समिति बना है वो कार्य तो ये करेगी कि हमारा जैसे कि हमारा सर्कुलर बंदोबस्ती के संबंध में है बंदोबस्ती के संबंध में जो सर्कुलर उसी को फॉलो हम लोग अगर इस समय सुने ना हमारे जो कार्य का आवंटन आप कर रहे हैं उसी से संबंधित समिति बना है ना हमारा समिति अगर हमारे जवाब जी नहीं है तो हमारे डायरेक्टर से भी तो समझ सकते हैं तो मैंने समझिए जिस कार्य का आवंटन आप कर रहे हैं उसी कार्य को संपादन करने के लिए समिति का निर्माण भाई तो जो जो जिस कार्य के लिए करना है तो उसका सर्कुलर में नहीं ना आ रहा है यही चीज का हम लोग का सर्कुलर उसमें नहीं ना आ पा रही पंचायत तो कह रहे हैं आ जाएगा तो फिर हमको उसको सीमित कराने में क्या दिक्कत आप इस संबंध में हमारे डायरेक्टर से आप बात कर सकते हैं अगर हम लोग गलत बोल रहे हैं या हम लोग नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप इस संबंध में डायरेक्टर से आप स्वतंत्र आप डायरेक्टर से की इस तरह के काम हो रहे हैं हम कहाँ कह रहे हैं कि हम हो सकता है कि हम गलत बोल रहे हैं हमारे ऊपर वाला सीनियर पदाधिकारी तो आपको सही बताएंगे या गलत बताएंगे साथ में बैठेंगे तभी कोई मान लिया कि दोनों आदमी की सहमति बनेगा तो ऊपर अब इन लोग दिन भर से करेंगे कि इतना बड़ा 14 एकड़ का तालाब है हम लोग गाँव में बाहर का आदमी आकर के मछली मारता है हम लोग कुछ नहीं करता स्थानीय सरकार जो पंचायत स्तरीय बनती है कि लोकसभा विधानसभा और स्थानीय सरकार तो स्थानीय लोग ही ठीक कर रही है कि पंचायत समिति मत्स्य विभाग लोग जो दादा कह रहे हैं एक बीच का आप मैडम चाहेंगे आप जिला स्तरीय आप इसके कलेक्टर आप विश्वास नहीं करेंगे आपके आपको की अब्सेंस आप लोग की अब्सेंस में उनको हम बात किए इस संबंध में हम लोग ही नहीं चाह रहे हैं कि इस तरह के विवाद हो और गाँव में सब लोग एक ही जगह रहने वाले हैं हम उनसे प्रस्ताव रखे कि अगर 2 तालाब है तो ऐसा कीजिए बैठ के 1 तालाब उनको दे दीजिए 1 तालाब आप रख लीजिए मैंने तो विधि में होता की समझ पूरा ये सही कर रहे हैं पूरा घर द्वार छोड़ के आया है सब आपको लगता है कि वहाँ पे तालाब पर आके बाहर का लोग जो अगर इन लोग बना ले बैठा है तो जैसे बात है गाँव उनका है हिंसा जो देखिए कभी कभी कायदे कानून हिंसा का भी रूप देती है तो यहाँ अगर थोड़ा सा कंप्रोमाइज होता है तो एक बहुत बड़ा हिंसा डलेगा क्योंकि इतना लोग आते हैं कि सुबह से घर छोड़ के अपना बैठा है गांव इनका है अच्छा ठीक है सबको देता है तालाब सरकारी लेकिन वो तो सभी जानता है एक दिन का पूर्वज कोड़ा होगा किसी विधि व्यवस्था कारण सरकारी हुआ होगा वो तो सभी जानता है सरकार कभी तालाब नहीं कोड़ी अभी कोड़ती है आज से 50 साल पहले हम लोग खुद तालाब कोड़ते थे और जितना भी तालाब है भारतवर्ष का सब निजी तालाब है झारखंड का ही बात क्यों करें थोड़ा सा देखिए आप अपनी समझदारी से और समझौता से बहुत बड़ा मैंने आक्रोश को और एक बहुत बड़ी मैंने घटना को टाल सकते हैं ऐसा समझ सकते हैं देख सकते हैं बाबा क्या माहौल है लोगों का क्या आक्रोश है और आप तालाब तो मैंने कलेक्टर के ऑफिस के बगल में है नहीं तालाब गांव में है जंगल में है समझिए थोड़ा सा हम लोग को वंचित नहीं रखता वो लोग तो आज हम लोग ये दिन एक बात कर रहे हैं 4 गांव से मिल के आए हैं हम लोग ठीक है दोनों समिति को बुलाना पड़ेगा हाँ ठीक है आपका बात ठीक है हम इस चीज को मानते हैं हम चाहते हैं कि आप
दे दीजिए। से संबंधित विभाग को चिट्ठी दीजिए। एक मिनट, हम बता रहे हैं पंचायत स्तर की समस्या है ना, इसको अगर ये लोग चाहेंगे तो प्रखंड स्तरीय सहकारिता विभाग से करा सकते हैं। हमारे कहने का मतलब क्या है ना, जो अभी समिति बना है उस समिति से सरकार को आप अवगत करवा सकते हैं ना, बताएंगे आपको, सरकार को अवगत करवाइए कि ऐसा ऐसा समिति बना है, इसको हम कार्य आवंटन करें या नहीं, ऐसा तो आप लेटर अपना विभाग में लिख सकते हैं, वो तो लिख सकते हैं, आप लोग भी लिख सकते हैं, जैसे हम लोग ये हम लिख देंगे, आप हम भी लिख देंगे, उसी चीज में आंसर डाल लिख लीजिए, हाँ वो भी लिख देंगे, डिपार्टमेंट लिख देंगे, चाहिएगा तो उसका कॉपी भी आपको दे सकते हैं। विभाग को एक पत्र इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, अब तब तक जो है क्लियर करके इसके लिए हमारा जो है इसके लिए आप लोग के स्तर से अगर इसका प्रयास किया जाए ज्यादा बेटर है। हम लोग पत्र आप भी दीजिए, बाकी हाँ आप लोग अपने तरफ से नहीं, हम लोग आप लोग को चार दिन का समय दिए थे, अगर इसका बीच में आप लोग वार्तालाप कर लेते तो हम लोग क्यों भी वर्ष होकर इतना आते हैं, हम लोग कितना तारीख को आपको लेटर देंगे, 14 को दिए थे आप डेट थे, जो हम लेटर जो आप बोले थे कि 18 को हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, उससे पहले अगर नहीं देंगे तो नहीं कर दे दीजिएगा आप, नहीं वार्तालाप वार्तालाप पता है चेंज नहीं करते, आप लोग आप लोग स्पष्ट जो आए थे देने के लिए आप लोग यही बोले कि जो इसका जवाब है वो हमको बना के 18 से पहले दे दीजिए, अगर नहीं देते हैं तो हम धरना प्रदर्शन, ये बर्ताव हो रही है मत्स्य विभाग में, ये बोकारो चास का मत्स्य विभाग है, वीडियो को लगातार शेयर करें, आप लोग क्या कर रहे हो हमको समझ में नहीं आ रहा यार, फटाफट शेयर करो। यहाँ जयराम जी आए हुए हैं और वो जो लाल पहनी हुई है वो DFO मैडम है, बगल में जो है कि मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, और ये थाना वाले आए हुए हैं इधर, और इधर पूजा महतो हैं, और साथ में ये हमारे प्यारे प्यारे भाई लोग हैं जो बिरनी पंचायत के हैं। कौन कौन गांव से हैं आप लोग? नॉडी पंचायत है, कौन 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 गांव से आप लोग आए? सब बिरनी से आए हैं, बिरनी पंचायत। कौन सा पंचायत में? बिरनी पंचायत नावाडे। क्या मामला है, बता दो सब। मामला है कि DFO हम लोग को जो कि ये डाक करने के लिए बोला था कि जब दो समिति का आपस में टकरा होता है तो वहाँ दो समिति का डाक होता है, तो वहाँ मतलब समिति उस पेपर होता है तो वहाँ डाक होता है, तो डाक होता है तो मैडम हम लोग को बोला गया ठीक है आप लोग को मतलब नोटिस कर दिया जाएगा डाक कब होगा, अगर मैडम है कि 7 तारीख ये 7 तारीख डेट को जो कि बंदोबस्ती ये नावडी प्रखंड वाला को दे दिया, जो कि हम लोग बिन्नी पंचायत स्तर लोग को नहीं दिया। कब आए आप लोग यहाँ पे? हम लोग 12 तारीख को आए थे मैडम से बात करने के लिए कि मैडम आज सुबह 10 बजे आए, सुबह 10 बजे आए जी।
कौन कौन भरता में गया आप लोग को मालूम है? मालूम हम लोग को नहीं है। वार्ता करने के लिए हम ये जयराम दास जी भी केस का, उसके बाद है सदस्य सब है कॉपरेटिव का। तो ये देख सकते हैं आप लोग को हम दिखा रहे हैं चास प्रखंड, इधर एक बहन जी है। बहन जी आपका नाम क्या हुआ? कलावती देवी। पूरा बिरनी पंचायत का, सिर्फ हम लोग अपना पंचायत के लिए लड़ने के लिए आए हैं। दो थे वार्ड सदस्य हम। कितने लोग आए? 200-300। तो 200-300 लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पे बर्ता हो रही है। जयराम जी भी इधर आए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। डीएफओ मैडम भी है और दोनों तरफ से ये बर्ता क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। इधर पूजा महतो भी है, देख सकते हैं आप लोग। और लगातार इस वीडियो को शेयर करें, मैं कितना दिखाऊंगा उधर की बात। समझ रहे हैं आप? कोई थोड़ी चल।